हेलो दोस्तों, 2020 में बाकी चीज़ों के साथ कोविड-19 का प्रभाव अंतरिक्ष अभियानों पर भी दिखाई दिया है। जहां कुछ मिशन सफल रहे तो कुछ को रोक दिया गया। ऐसे में 2021 अंतरिक्ष मिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है। वहीं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जारी किया है कि वह 2021 में अपने बेहद ही महत्वपूर्ण स्पेस मिशन को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की इस वाले टॉपिकल वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ गिने चुने स्पेस मिशंस की, जिसकी सफल होने की उम्मीद पूरी दुनिया लगाकर बैठी है। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड फैक्ट इन हिंदी में। तो आज के नॉलेजेबल वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ट्रियो ऑफ मार्शियन मिशन फरवरी। यह स्पेस मिशन मार्स पर एग्जीक्यूट करने वाला है। यह स्पेस मिशन बेसिकली UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला है। मंगल ग्रह पर एक दो नहीं बल्कि 3 मिशन जाएंगे। हर एक मिशन अलग अलग देश द्वारा लॉन्च और कंट्रोल किया जाएगा, जहां यूनाइटेड अरब एमिरेट द्वारा होप ऑर्बिटर, नासा द्वारा प्रिजर्वेंस रोवर मिशन और चाइना द्वारा TNV-1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। यह तीनों ही मिशन फरवरी में मार्स के सरफेस में पहुंचेंगे। नंबर 2, बोइंग सेकंड स्टारलाइनर टेस्ट 29 मार्च। साल 2019 में बोइंग का नया मानव रहित अंतरिक्षयान स्टारलाइनर घड़ी में खराबी के कारण निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही धरती के सरफेस पर लौट आया था। इस अंतरिक्षयान की घड़ी में खराबी होने की वजह से यह यान इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी से नहीं जुड़ पाया, लेकिन स्पेस एजेंसी एक बार फिर से इस परीक्षण को मार्च में दोहराने जा रही है। नासा ने भी बोइंग स्टारलाइनर मिशन 2 का अप्रूवल दे दिया है, तो जल्द ही आने वाले समय में यह मिशन सफल हो ऐसी आशा पूरी दुनिया रख रही है। नंबर 3, फर्स्ट CLPS मिशन टू मून जून और अक्टूबर। नासा के कमर्शियल लूनर पोलार्ड सर्विस CLPS को मून पर कुछ रिसर्च करने वाली छोटी मोटी कंपनियों के लिए यह एक अच्छा अवसर है। चाहे फिर वो नए अंतरिक्षयान में छोटे पेलोड को कंट्रोल करने वाले हो या फिर मून पर नई स्पेस फ्लाइट टेक्निक का परीक्षण कर रहे हो या फिर कुछ और साइंटिस्ट मून की सरफेस पर और ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो। और हाँ, अगर आपको अपने होस्ट और दोस्त नारुतो की वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। नंबर 5, SpaceX एक्शम स्पेस 1 अक्टूबर। यह स्पेस मिशन कम से कम 8 दिनों के लिए होगा। ये पृथ्वी के ऑर्बिट में ISS का पहला प्राइवेट मिशन होगा। ISS का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां प्राइवेट क्रू को SpaceX क्रू ड्रैगन के जरिए भेजेंगे। यह मिशन बेसिकली SpaceX यानी कि इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX द्वारा मैनेज और एग्जीक्यूट किया जाएगा। नंबर 6, ल्यूना 25 मिशन अक्टूबर। रशिया ने मिशन ल्यूना 25 को फिर से जीवित किया है। रशिया ने इस मिशन को एग्जीक्यूट और डायरेक्ट करने के लिए उसके स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस की मदद ली है। मिशन ल्यूना 25 का लॉन्च अक्टूबर 2021 में किया जाएगा। ल्यूना 25 एक ऐसा लैंडर होगा जो कि मून की सरफेस के सदर्न हेमिस्फीयर की ओर जाएगा। यह लैंडर एक नई तरीके की लैंडिंग का यूज़ करेगा, जिसे रशिया भविष्य के रोबोट मशीन के लिए उपयोग करने के लिए बना रहा है। लेकिन लैंडर के साथ ही एक साइंटिफिक सूट होगा जो कि मून की मिट्टी पर टेस्टिंग करेगा। नंबर 7, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 31 अक्टूबर। जेम्स टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजे जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी टेलीस्कोप होगी। यह टेलीस्कोप 13.5 बिलियन वर्ष पूर्व घटित हुई बिग बैंग की घटना के फलस्वरूप मिलने वाला यह एकलौता टेलीस्कोप बचा हुआ है। यह दुनिया की पहली ऐसी टेलीस्कोप है जिससे हम पूरे मिल्की वे को एक साथ देखने में सक्षम है। इस वेब कैमरे का आउटर लेयर इतना मजबूत है कि वो सन, अर्थ और मून से आने वाली प्रकाश तक को रोकने में सक्षम है, जिसे 31 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा। तो ये थे 2020 के असफल कहे जाने वाले या फिर रोके जाने वाले कुछ मिशंस। इन मिशंस पर ज़्यादातर हक नासा का है, लेकिन बाकी सारी कंट्रियाँ भी अपनी अपनी स्पेस एजेंसी के साथ
इन मिशंस को कंट्रोल कर रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल पर रोजाना ऐसी वीडियोस अपलोड होती रहती है, तो देखना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।